Welcome everyone. I hope that you all would be fine and in good shape. My name is Sadaf Javed, and in this video, I'm going to discuss about the protocol of an experiment. And the title of the experiment is Determination of Molecular Weight of a Compound by Lowering of Freezing Point. As we all know, कि lowering of freezing point या depression in freezing point को हम लोग cryoscopic method भी कहते हैं. तो what is basically cryoscopic method? Cryoscopic method is the depression in the freezing point. तो इस experiment के through basically हम लोगों ने क्या करना है, हमने molecular weight determine करना है एक compound का, और हम लोगों ने उसके लिए क्रायोस्कोपिक मेथड जो है वो यूज करना है. दैट मींस हम लोगों ने उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको लोअर करके फिर हम लोगों ने सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड करना है. सो सबसे पहले मैं आप लोगों से इसकी थ्योरी के बारे में बात करूंगी कि बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किस वजह से होता है. तो हमारे पास, अगर आप लोगों ने लिक्विड की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया हो तो आप लोगों को पता होगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड. ठीक है, हम लोग एक सॉल्यूशन के अंदर, हमारे पास या एक सॉल्वेंट के अंदर हमारे डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया क्रायोस्कोपिक मेथड जो कि है, इसी तरह से हमारे पास इबिलियोस्कोपिक मेथड जो है वो आ गया. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि हम लोग सॉल्यूशंस में तब देखते हैं कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करते हैं. तो हमारे पास कुछ केसेस में हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिनमें हमारे पास डिप्रेशन हो जाता है इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. और अगर हम लोग बात करें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, किसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर है, हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है या हमारे पास सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर होता है. तो बेसिकली अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट के. मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर होगा एज कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बेसिकली हमारे पास ऐसा होता क्यों है कि व्हाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट. तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली क्यों होता है कि हमारे पास, अभी मैंने आप लोगों से बात की कि द रिजल्टिंग लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हैज़ अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट और सॉलिड. ठीक है, कि हमारे पास जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेसिकली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पे. इसमें ये ऐसा बेसिकली हमारे पास क्यों होता है, बिकॉज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट इन द मिक्सचर इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. द डिफरेंस बिटवीन द टू बींग प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द मोल फ्रैक्शन. ऐसा हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि जब भी हमारे पास सॉल्वेंट एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसका केमिकल पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है. इसी तरीके से अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट इंडिविजुअल फॉर्म में पड़ा हुआ है तो उसका केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. तो अगर आपसे पूछे कोई कि वाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस आर लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो आप लोग वहाँ पर क्लियरली ये बताएंगे कि दिस क्लियरली डिपेंड्स अपॉन द केमिकल पोटेंशियल. जब भी हमारे पास हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. और अगर एक हमारे पास इंडिविजुअल सॉल्वेंट पड़ा हुआ है तो उसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है, एज ए रिजल्ट उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है जो ज्यादा होता है. तो यहां पर उन्होंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी एफ.
ठीक है, मतलब एक एफ आपका सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एफ आपका सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे उसने आपको डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इस तरह से निकाल कर दिया है कि फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेल्टा टी एफ स्टैंड फॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और टी एफ सॉल्यूशन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्यूशन एंड टी एफ सॉल्वेंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है। एल्कोहल इन वाटर और द मिक्सिंग ऑफ टू सॉलिड सच एज इम्प्योरिटीज इन टू अ फाइनली पाउडर्ड ड्रग, मतलब हमने सोल्यूशन बना लिए या मिक्सचर्स बना लिए या हमने इंडिविजुअल सॉल्वेंट्स ले लिए। तो पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों से बात की थी कि बेसिकली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अब हम लोग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, वही जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया उसको हम लोगों ने प्रिंसिपल में दोबारा कोट किया, क्योंकि दैट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि वाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, बिकॉज सोल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट है ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट उसका केमिकल पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। वेयर एज अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो उसका केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी डिटर्मिंड एक्सपेरिमेंटली यूजिंग अ सूटेबल अपरेटस क्रायोस्कोपी। इफ द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ सॉल्वेंट आर नोन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन इट कैन बी डिटर्मिंड, द मैथड इज नोन एज क्रायोस्कोपिक मैथड। यहाँ पर हम एक वो कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है तो हम लोग क्रायोस्कोपिक मैथड के थ्रू फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हमें क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट्स का पता है कि हमारे पास क्या क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है हमारे सॉल्वेंट के, तो हम लोग उसके अंदर जो हमने सोल्यूट ऐड किया है उसका हम लोग इजीली मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि हम लोग यहाँ पर कौन कौन से केमिकल्स हैं जो यूज़ करते हैं या यूज़ करेंगे ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। आप लोग जब इसका प्रोसीजर देखेंगे तो वहाँ पर मैंने सल्यूट और सॉल्वेंट ही लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उसको यूनिवर्सली अप्लाई करना चाह रही हूँ कि कोई भी सल्यूट है आपने उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड किया है। लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को केमिकल्स जो है वो स्पेसिफाई कर दिए हैं कि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि आप लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें आप कौन सा सल्यूट डालेंगे, तो आप बेशक ये सॉल्वेंट और ये सल्यूट ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो मेरे पास केमिकल्स हैं वो मैंने मतलब जिस तरह लिया है, मैंने आइस यूज़ किया ऑब्वियसली, अभी मैं आगे आप लोग को प्रोसीजर बताती हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा आइस क्यों यूज़ की है। फ्रीजिंग मिक्सचर होता है मेरे पास, ठीक है, वाटर हो गई, बेंजीन हो गई और बेंजोइक एसिड हो गया। अब हम इसका अपरेटस देख लेते हैं। अपरेटस में हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब होती है, बैकमैंस थर्मोमीटर होता है, पिपेट होती है और बीकर होता है। Now, moving towards the main, the body of the experiment, that is your procedure. तो अगर मैं आप लोगों को बहुत easy तरीके से ये समझाना चाहूँ ना, तो आप अपने mind में इसको एक image, अगर आपने इसके apparatus का बनाना है तो आप इस के apparatus का image कुछ ऐसे बना सकते हैं। अभी आप बहुत simple image बनाएं अपने mind में कि आपके पास एक बड़ा सा beaker है, उसके अंदर आपने एक बड़ी, मतलब आपकी सिंपल टेस्ट ट्यूब के साइज से बड़ी साइज की टेस्ट ट्यूब आपने उसके अंदर रखी भी है, ठीक है, और जो आपका बीकर है सारा वो फिल्ड है वाटर से, और उसमें आपने जो भी सॉल्वेंट ऐड करना है उससे, और वो सारी बर्फ बनी हुई आपकी, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने अपनी फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब जो है वो आपने उसके अंदर रख देनी है। उस फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब के अंदर आपने सबसे पहले सॉल्वेंट ऐड करना है और आपने उसको स्टर भी करते रहना है। आपने इर्द गिर्द सारी बर्फ है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उसके अंदर आपने थर्मामीटर भी ऐड किया हुआ है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपका सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट ने फ्रीज होना स्टार्ट किया आपने थर्मामीटर पे वो टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपके पास एक साइड आर्म बनी होगी, वहीं से आप लोगों ने सॉल्यूट उसके अंदर ऐड करना है, और उसके बाद आपने उससे पहले मिक्सचर को आपने कॉन्स्टेंटली स्टर कर लेना है, और जब वो आपका सॉल्यूशन पूरा फ्रीज हो जाएगा तो वो आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो जो आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको आप डिटरमिन करेंगे T2C से, और जो आपका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको आप डिटरमिन करेंगे T1C से। आगे मैं आपको डायग्राम दिखा के एक दफा दोबारा भी प्रोसीजर समझा देती हूँ उसका।
यहाँ पे अब अगर आप लोग देखें तो डायग्राम है, जिस तरह मैंने आप लोगों को रफ सा एक इमेज पीछे दिया था, जिस तरह आप लोगों के पास एक बीकर टाइप, बड़ा बीकर टाइप है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने आइस क्यूब्स डाल दी, जो आइस है आपने इसके अंदर डाल दी, और उसके अंदर आपके पास एक स्टरर भी है। इसके अंदर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट अपरेटस पड़ा हुआ है, जिसमें एक साइड आर्म है आपको नजर आ रहा है, ऊपर क्रायोस्कोपिक थर्मोमीटर, थर्मोमीटर हमने उसके अंदर ऐड किया हुआ है, अंदर उसके स्टरर भी है, और जो हमारे पास आइस है हमने उसमें भी एक थर्मोमीटर ऐड किया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करेंगे। जब हम लोग इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करेंगे और हम लोग देख लेंगे कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद हम सॉल्वेंट को अच्छे तरीके से स्टर कर देंगे। जब हमारे पास सॉल्वेंट अच्छे तरीके से स्टर हो जाएगा, थोड़ा लिक्विड लिक्विडिफाई हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि साइड आर्म से हम लोग इसके अंदर सल्यूट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर जब हमारा ये सल्यूशन जो है सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, तो हम थर्मामीटर पर टेम्परेचर नोट कर लेंगे कि किस टेम्परेचर पर हमारा सोल्यूशन सॉलिडिफाई होना शुरू है या फ्रीज होना शुरू हुआ है, और किस टेम्परेचर पे हमारा सॉल्वेंट फ्रीज होना स्टार्ट हुआ था। दैट इज इट। इसका प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ इतना है। बाकी अब हम सारा कैलकुलेशंस में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर सोल्यूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस की। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि हम लोगों ने पीछे डिनोट किया T1C से। यहाँ पे आपके पास जो भी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सॉल्वेंट का, आप वो वाली वैल्यू पुट कर दोगे। मैंने एज्यूम्ड लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास वैल्यूज नहीं है, मैंने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया हुआ। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का यहाँ पर मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, जिसको मैंने T2C से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया है, आप लोग यहां पर ऐड कर देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू T2 - T1, जो आपके पास ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन था, उसको आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। अब हम लोगों ने फाइंड करना है बेसिकली मास, मतलब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है अपने सॉल्यूट का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि जो हम लोगों ने कितना सॉल्यूट उसके अंदर ऐड किया था, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है W2G, और उसके बाद हम लोगों ने देखना है कितने सॉल्वेंट के अंदर हमने वो सॉल्यूट डाला था। आपने ऑब्वियसली सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो भी क्वांटिटी ऐड करनी है वो आपने मेजर करके उसके अंदर ऐड करनी है। तो उसके बाद आप मास ऑफ सॉल्वेंट जो भी आपके पास आ रहा है, लेट सपोज मेरे पास आ गया W1G, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया W1G। अब मेरा मेन स्टेप आ गया है कि मैंने क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डिजॉल्व्ड सब्सटेंस, जो आपने सॉल्यूट अंदर डिजॉल्व किया है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो वो फाइंड करने के लिए मैं ये वाला एक्सप्रेशन यूज करती हूँ, जो कि है Kf डिवाइडेड बाय डेल्टा Tf इज इक्वल्स टू W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, के एफ हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है हमारे पास। डेल्टा टी एफ हमारे पास क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। डब्ल्यू टू हमारे पास क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट है। और W1 हमारे पास मास ऑफ द सॉल्वेंट है, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डिजॉल्व्ड सब्सटेंस आ जाएगा। ये आगे मैंने आगे मतलब आपकी आसानी के लिए लिखा भी हुआ है कि Kf क्या है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है हमारे पास। यहाँ पर मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूँगी कि यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हमारे पास नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास आता है उसके अंदर बिलियोस्कोपिक मेथड के अंदर। डेल्टा टी एफ हमारे पास आ गया डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आ गया, डब्ल्यू टू हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, और W1 हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद आप लोगों ने जब उस एक्सप्रेशन के अंदर अपनी सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो आपके पास जो भी आपने सॉल्यूट ऐड किया उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो रिजल्ट में आप उसको एज इट इज रिपोर्ट कर देते हैं कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस वाज डिटरमिंड थ्रू क्रायोस्कोपिक मेथड एंड वाज फाउंड टू बी लेट सपोज ए। मैंने यहाँ पे एक एज्यूम्ड वैल्यू लिखी हुई है ए, ऑब्वियसली अब आप जब वहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा आप वो वहां पर लिख देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।